Hello everyone, this is Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from SAIS Swaminarayan Institute of Technology Park, Gandhinagar, representing this subject electrical circuit analysis 473 electrical. So in which previously we started our unit 3 as a sinusoidal steady state analysis और उसके अंदर हमने sine wave का जो study है उसको हमने start कर दिया। सो प्रीवियसली हमने काफ़ी चीज़ें जो कि पावर की और उसके बारे में बेसिक चीज़ें हमने देखी है कि भाई इम्पीडेंस एडमिटेंस और उसकी जो बेसिक टर्म्स हम जान चुके हैं। बट ना हम नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है कि वो है एक आरएमएस वैल्यू, जो कि हम ये भी ऑलरेडी हमारे काफ़ी पुराने जो फंडामेंटल्स हैं उसमें भी पढ़ चुके हैं कि आरएमएस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई इसका स्टार्ट कहाँ था या फिर आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो बेसिकली हम पावर की डेफिनेशन है तो वो क्या है कि टोटल बर्डन बाय एनी एटम पर यूनिट टाइम। तो टोटल बर्डन जितना हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर उसे हम पावर कहते हैं। तो अब हम पावर की ओर जाना तो चाहते हैं, उसका फंडामेंटल क्या है कि भाई हमें बर्डन कितना होता है और वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पावर का इक्वेशन क्या था कि आई स्क्वायर आर, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि आई स्क्वायर आर इनटू टी मतलब कि एक टाइम स्पैन, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो टाइम स्पैन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इतने टाइम के अंदर इतने टाइम के अंदर। सो यहाँ पे इन मतलब कि मीन वैल्यू या फिर एवरेज। तो ऐसे यहाँ पे एंड सो ऑन मतलब कि आई वन स्क्वायर आर टू बाय एन, आई टू आई थ्री अप टू एन, कितने भी टाइम तक आप मतलब कोई भी करंट या फिर एनी इंस्टेंट हम कोई भी स्टडी कर सकते हैं। तो टोटल बर्डन जो कि कितना है इन सबका एडिशन करना पड़ेगा मतलब कि आई स्क्वायर आर टी, तो यहां पे i1 स्क्वायर का साइड स्क्वायर अप टू in स्क्वायर इनटू rt डिवाइड बाय m, यूनिट क्या रहेगा बर्डन का जूल। क्लियर? तो यहां पे i स्क्वायर को हमने देखा तो i स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्योंकि बाकी की चीजें तो ऐसे कौन-कौन से हम निकाल ले तो निकल जाएगी। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या बचती है i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइड बाय m अंडर रूट। तो यहां पे इस टर्म को हम अगर रिप्रेजेंट करते तो हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी। यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे क्वांटिटी के बदले आप मैं करंट भी लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज भी लिख सकते हैं, मतलब जो क्वांटिटी की आपको मेन वैल्यू फाइंड करनी है उसका यहाँ पे मेन मतलब आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी मेन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी व्हाटएवर दे प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया कि रूट ऑफ द मेन ऑफ द स्क्वायर। और ये जो चीज मैंने आपको बताई उस समय इंस्टेंट के लिए बात करें तो इस हिसाब से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल वर्कमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक लेकिन वो कैसे मिलेगा टाइम फॉर डी वन डी टू डी थ्री T3, T4, Tn at that instant I1, I2, I3, I4, क्योंकि अगर हम ये हमारा साइन छोड़ा तो हम यहाँ पे कोई भी आगे एंड सोन की ओर ले जा सकते हैं। क्लियर? यहाँ टाइम स्पैन हम अगर बढ़ा दे तो यहाँ पे ये I5, I6, तो यहाँ पे T5 पे, T6 पे, T7 पे, जिस हिसाब से आपको लेना है उस हिसाब से आप अपना ऑब्जर्वेशन या फिर रीडिंग ले सकते हैं। तो ये साइन छोड़ रहे तो उस हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो, उसके ऊपर से हम ये फाइंड करते हैं। लेकिन ये हमने जो बात की कि वो तो एक पर्टिकुलर वर्कमैन के हिसाब से हमें पता चला कि आरएमएस वैल्यू की जरूरत है, लेकिन पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे करंट के लिए आपका कितना रहेगा या फिर आरएमएस वैल्यू कितनी होगी या फिर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि या फिर साइन थीटा ओके उसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन क्या है कि मीन of square of that quantity, तो यहाँ पे under root of mean of that quantity, तो उसका square करके उसके जो भी RMS value find करके तो उसका equation क्या है 1/2π under root of 1/2π integration over 0 to 2π I square d theta, क्योंकि यहाँ पे theta variable quantity है। ठीक है, तो यहाँ पे I square sin square theta divide by 2π integration over 0 to 2π। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन दिया है वहाँ पे एक दो टर्म ऐसे कि आपको शायद बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इंटीग्रेशन याद नहीं है या फिर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन याद नहीं है, तो मैं बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो ये साइन स्क्वायर थीटा का सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसके बेसिक फंडामेंटल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री देख लेना। तो उस हिसाब से आप उसका सिंप्लीफिकेशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब 1/2 वाली जो टर्म है उसे ऐसे किसी ने 1/2 में से कांस्टेंट निकाल दिया तो क्या होगा, अब यहां पर हम 0 टू 2π अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 टू 2π, तो यहां पे थीटा के बदले हो जाएगा 2π sin 2 थीटा, थीटा के बदले 2π तो sin 2π मतलब कि 0, तो 2π - 0।
जीरो, क्लियर? ओके, और यहाँ पे टू जो वन बाई टू कॉन्स्टेंट लिया था डिनोमिनेटर का, वो यहाँ पे वन बाई टू पाई मल्टीप्लाई बाई टू, मतलब कि वन बाई फोर पाई, तो यहाँ पे क्या बना वन आई एम स्क्वायर बाई फोर पाई इंटू टू पाई माइनस जीरो ओवरऑल अंडर रूट, क्लियर? तो यहाँ पे क्या टू पाई और ये फोर पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा टू, तो आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू मतलब कि आई एम डिवाइड बाई रूट टू, क्लियर? आई आर एम एस जीरो टू आई एम डिवाइड बाई रूट टू, तो उसे आप अगर न्यूमेरिक टर्म में लिखे तो पॉइंट जीरो पॉइंट सॉरी 0.707 उसके लिए जो रहते वो भी हम जानते हैं, तो उस हिसाब से आपको आर एम एस वैल्यू का स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म मिलेगा। जैसे आप वोल्टेज का भी कर सकते हो या फिर पावर का भी, आपको कोई भी टर्म का जैसे बोल रहे हैं तो आप उसका ये फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन आर एम एस का कर सकते हैं, क्लियर? ओके, इसी के साथ ही कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स है जो कि आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि स्टार लोड या फिर कनेक्टेड सॉरी स्टार और डेल्टा में लोड कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्री फेज वाला जो भी एक पोर्शन है आपके सिलेबस में आप देखोगे तो एक थ्री फेज सर्किट्स या फिर थ्री फेज एनालिसिस में आपको ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो बाकी काफ़ी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और आपको आगे भी यूजफुल होगी और आपको बेसिक फंडामेंटल उसकी जाननी जरूरी है वैसी चीज़ें वो है स्टार एंड डेल्टा लोड या फिर स्टार कनेक्टेड लोड एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो इन दोनों से कंपेरेटिव स्टडी के लिए आपको यहाँ बाजू बाजू में ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि स्टार में आपको बता दें कि तीनों फेज एक दूसरे के साथ स्टार मोड फेज करते हैं, सेम में डेल्टा में तीनों एक दूसरे के साथ डेल्टा फेज करते हैं। यहाँ पे आपको तीनों के जो भी इंपीडेंस है फेज को मैंने यहाँ पे ए बी सी नाम दिया है या फिर आर वाई बी भी कह सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके इंपीडेंसेस को जेड एच जेड जेड सी जो कि पर फेज इंपीडेंस जितना ही होगा तो उसके साथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्लियर? सेम उस ये बात हुई स्टार लोड की, एज वेल एज डेल्टा के लिए बात करते हैं यहाँ पे भी मैंने पर फेज जो इंपीडेंस है उसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि जेड पी जेड पी जेड पी जो भी यहाँ जेड जेड पी जेड सी पी में लिख सकता हूँ, क्लियर? ओके, तो स्टार कनेक्शन है तो उसके अंदर आपको ये चीज आप ऑलरेडी स्टार और डेल्टा की बेसिक जानते भी हैं और आप फर्स्ट ईयर में या फिर आपके बेसिक फंडामेंटल जो भी आपने पढ़े हैं तो उस टाइम में ये चीज जानते हैं कि पर फेज वैल्यू फॉर द स्टार कनेक्शन पर फेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू लोड वोल्टेज डिवाइड बाय रूट, क्लियर? या फिर उसे दूसरी टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ कि वोल्टेज सॉरी हाँ लोड वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री ऑफ पर फेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, बट वी ऑल्सो कीप इन माइंड दैट लोड करंट इज इक्वल टू पर फेज करंट, क्लियर? ओके, यही तो इक्वेशन है जो एक दूसरे के वाइस वर्सा हो जाते हैं डेल्टा के अंदर, मतलब कि पर फेज वोल्टेज है तो वो यहाँ पे लोड वोल्टेज जितने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो करंट है पर फेज या फिर लोड करंट है तो वो कितना हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ पर फेज करंट, क्लियर? तो इन दोनों का कंपेरेटिवली याद रखोगे तो आपको बाकी स्टेप्स या फिर चीजें याद रह जाएगी और इसके लिए कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ न्यूट्रल के रेफरेंस में हम ये वैल्यू लेते हैं वोल्टेज को, आपको यहाँ पे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्लियर? तो यहाँ पे कोई डेरिवेशन की इससे जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक इंक्लूड किया है। प्लस एक और चीज कि भाई जो हमारे न्यूमेरिकल है जो कि थ्री फेज सर्किट के या फिर उसके जो भी आर आर एल सर्किट या फिर आपके इंपीडेंस के बेसिक एग्जांपल्स है वो तो हमने ऑलरेडी जो मेस एनालिसिस है ये वही फंडामेंटल यहीं पे यूज होंगे, मतलब कि सिर्फ फर्क क्या कहाँ रहेगा कि जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर जो कि एसी सर्किट है तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगी जैसे कि इंडक्टर या फिर कैपेसिटिव लोड एड होगा तो उस हिसाब से रहेगा, बाकी जो हमारा क्रेमर सॉल्यूशन टेक्निक है वो एज इट इज रहेगी। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल में एक और पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको सारे पावर को कैसे फंड करें, जैसे कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर या फिर अपेरेंट पावर ऐसे जो बेसिक टर्म्स है उसे हम कैसे फंड करें, तो वो चीज़ आपको अभी तक आपने नहीं पढ़ी है या फिर हमने यहाँ पे डिस्कस की सब्जेक्ट में नहीं की है, सो देन मैंने उसे सेपरेटली यहाँ पे न्यूमेरिकल और बेसिक इक्वेशन के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। बाकी आप मेस एनालिसिस के जो एग्जाम्पल है फॉर दी एसी सर्किट तो वो भी आप प्रीवियस केस में जो कि हम डीसी साइड कर रहे थे क्रेमर्स सॉल्यूशन टेक्निक प्लस उसके मेस एनालिसिस कैसे करते हैं नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं वही फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि आप एसी सर्किट के लिए भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्लियर? बट डिफरेंट पार्ट जो है वो है यहाँ पे पावर कैलकुलेशन जो कि एक्टिव पावर कैलकुलेशन ये भी हम जानते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे एक बार मैंने रिविजन के बुक में लिख दिया कि एक्टिव पावर कैलकुलेशन आएगा 3 VPI × cos φ, सेम में रिएक्टिव पावर मतलब कि cos के बदले sin φ हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 3 VP × IP पर फेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इंटू sin φ, लेकिन यूनिट क्या रहेगा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का तो kW जो कि किलोवाट और kVA, क्लियर? तो यहाँ पे बाकी एक टर्म बच गई है कि अपेरेंट पावर जो कि है अंडर
अंडर रूट ऑफ एक्टिव प्लस एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर, या फिर उसका भी की हम जो बात करें तो एपेरेंट पावर, क्योंकि आपका केवी में रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पे नेट टर्म जो कि है पावर फैक्टर, तो वो भी हम जानते हैं कि पावर फैक्टर पी या फिर cos phi इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय 3 इनटू वी पी वाई। तो उसके हिसाब से आपको मैंने ये न्यूमेरिकल भी दिया है कि भाई अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। मान लो कि यहाँ पे आपको डेटा दिया है कि ZPH इज इक्वल टू 8 प्लस NZ, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होगा इंपेडेंस, क्योंकि यहाँ हम एसी साइड बात कर रहे हैं। VN और फ्रीक्वेंसी वो आपको दिया हुआ है, और आपको बताया गया है कि लोड आपका स्टार कनेक्टेड। मान लो यहाँ पे मैं आपको डेल्टा कनेक्टेड बोल दूँ तो न्यूमेरिकल कैसे करना है वो आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे भी स्टार के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपके लिए उस फॉर्म में जाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के लिए। तो पर फेज करंट की वैल्यू मिलेगी जो कि 19.83 इन दिस केस, और वी ऑल्सो नो दैट लोड करंट फॉर द स्टार कनेक्टेड इज इक्वल टू पर फेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो आपको यहाँ पे लोड करंट और लोड वोल्टेजेस मिल चुके हैं, और एंगल कौन सा रहेगा जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उस हिसाब से एक्टिव पावर जो कि रूट थ्री, यही इक्वेशन को आप फॉलो करके तो भी आप कर सकते हो सेम वे। आप यहाँ पे मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा जो कि यहाँ पे पर फेज में है, यहाँ पे लोड के वैल्यू में, तो आप कोई भी वैल्यू के इक्वेशन में आप प्लॉट करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो एक्टिव एंड नेगेटिव पावर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन यही एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ स्टार्ट के बदले डेल्टा लोड करूँ तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, तो आपको वो याद रखनी है। बट वन अनदर थिंग कि भाई मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इस फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे लोड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट है, यहाँ पे पर फेज है, तो इक्वेशन कोई गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक साथ दो फंडामेंटल आपको ब्रशअप भी हो जाए और याद भी रह जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? सो इसी के साथ ही हमारा जो साइनसोइडल सर्किट का पार्ट है, जो कि थ्री फेज सर्किट का भी मैंने बेसिक फंडामेंटल दिखा दिया है, प्लस आपका जो भी साइनसोइडल का पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर भी इसमें आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर इसका फंडामेंटल नहीं पता, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लेना। टिल देन नेक्स्ट डे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनाथन।